कितनी तैयारियां की है आप लोगों ने तैयार होने में? तो आप मेरे ख्याल से इन दोनों से ही पूछें। विशाल टुक 10 मिनट लगा, विशाल टुक नॉट इवन 10 मिनट्स। विशाल को कितना वक्त लगा ये जरूर पूछ लीजिएगा। कुल लेस टू द वन I was the only one waiting because आप समझ सकते हैं मैं अकेला किसी नहीं। Modesty, it's okay बेटा, it's okay। बिल्कुल दोनों आज बॉस लग रही हैं, ऐसी मैंने आज तक देखी नहीं है क्योंकि सेट पे कुछ अलग ही लोग होता है। आज अवार्ड्स हैं तो मेरी माँ माँ नहीं लग रही। Unanimously, इतने सारे लोग एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं। हैप्पी अबाउट इट। आई नो आई एम हैप्पी बट मुझे पता नहीं था कि वो इतना हिट हो जाएगा। या कुछ लोग तो इसे पूछ रहे थे कि ये यूरोप वगैरह से डायरेक्ट आया है क्या, तो हमें बताना पड़ा। नहीं नहीं ये जिगर है साथ यार। नहीं मुझे ऐसा आई एम ब्लेस्ड विद दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई वाज बोर्न ऑन द सेम डे। मेरा जन्म जन्माष्टमी वाले दिन हुआ था। सो आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद गुड लेडीज। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि ये इस युग का कन्हैया है, कान्हा है हमारा। आज तो बहुत ही प्रिटी लग रही है, ऑरेंज कलर है और मौसम भी बहुत अच्छा है। दोनों नेगेटिव है, तीन नेगेटिव है। यहाँ पे दादी भी है, सुंदरबा सुंदर गेटअप में आई हूँ तो आपको पहचान नहीं पा रही। तीन नेगेटिव है यहाँ पे। ये अभी वो चश्मा और वो सब पहन के नहीं आई बात ना बोलू, नहीं पहचान रहे हो इसलिए। और थोड़ा वजन भी इन्होंने कम कर लिया तो हाँ, तो आप लोग एकदम से ये नहीं कर दो कि हाँ खुट्टी बात ना बोलू, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। इट्स ओके क्या बात कर रहे हो, पता नहीं कहाँ पे। देखिए आजकल मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, यही प्रॉब्लम चल रहा है यार। अपने आप को ही करने आया हूँ, 4 नॉमिनेशन है तो अपने आप को चेयर कर लूँगा तो बहुत बड़ी बात है। कमाल, तुम्हें कितना टाइम लिया? मुझे तैयार होने की जरूरत ही नहीं, मैं नाइस। आपने कितना टाइम लिया? 10 मिनट्स। मुझसे पूछना भी नहीं चाहिए ऐसे करके। 10 मिनट्स बोला है, गौर करें। 1 2 2 times 10 minutes 1 2 सबसे कूल चीज मेरा स्टार परिवार का इनवाइट, जो मुझे स्पेशली बोला गया कि अलाउज ओनली वन। सो आई थिंक दिस इज द कूलेस्ट थिंग आई एम कैरिंग राइट नाउ व्हिच गिव्स मी स्पेशल एक्सेस टू द इवेंट। ये बोल रहे हैं कि इट्स अ कूल कार्पेट, देयर इज नथिंग कूल अबाउट इट। मतलब आई डोंट नो इन्होंने कूल क्यों बोला है। इट्स हॉट और यहाँ पे कलिका है और यहाँ पे सुंदर भाभी है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। सो या इट्स कूल, या इट्स कूल। सो बातों को घुस के समझे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ ये कूल कार्पेट है पर अभी फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा हॉट लग रहा है। तो ग्रे मतलब मेरे पसीने छूट रहे हैं, इतना हॉट लग रहा है। ढूंढ रही थी रेड कार्पेट का। मेरा एटीट्यूड मुझे लगता है सबसे ज्यादा कूल है वो। क्या बात कर रहे हो, कूल नहीं लग रहा मैं? नहीं नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एम आई लुकिंग कूल? और थैंक यू, सी यू गॉट योर आंसर। तो ये जाएगी तो ये कूल कार्पेट हॉट हो जाएगा। हाँ कूल चीज़ को फ्रॉन्ट करना चाहेंगे। एक्चुअली ये जो स्टार परिवार लिखा है ना यही बहुत कूल है, तो हमें कुछ फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप दिखता है।